चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और थानियों की खबरें। झुंझुनू के सिंघाना में श्रीनगर में तैनात मौली खुर्द के राजकुमार जांगिर का ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से देहांत हो गया। उनके पैतृक गांव मौली खुर्द में पूरे सैनिक सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में जिला तैराकी संघ के तत्वाधान में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तहसील स्तरीय ग्रामीण तैराकी प्रतियोगिता मानकुंड में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल शिरकत करेंगे। जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास, आयोजन समिति के अध्यक्ष पराक्रम सिंह मौजूद रहेंगे। पाली की देसुरी में तीखी ग्राम में दो दिवसीय 61वीं क्षेत्रीय प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि बीईओ मंगलाराम नायक ने कहा कि खेल खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास के साथ ही प्रतिस्पर्धा की भावना का पैदा होती है। इस दौरान उन्होंने विजेता और उपविजेता को ट्रॉफी दी। समारोह की अध्यक्षता कर रहे माड़पुर सरपंच कमलेंद्र सिंह सोलंकी ने आगंतुकों को आभार व्यक्त किया। चित्तौड़गढ़ के राशवी में अवैध बजरी दोहन का कारोबार अपने चरम सीमा पर चल रहा है। नदी से डंपर व ट्रैक्टर भारी मात्रा में ओवरलोडेड होकर बजरी का दोहन कर रहे हैं। बीती रात करीब 12 बजे बाद राशवी थाना अधिकारी रमेश चंद्र मीणा व जाप्ते ने रात्रि गश्त के दौरान 5 डंपर अवैध बजरी का दोहन करते हुए बिना रॉयल्टी के जाते हुए पकड़ा और खनिज विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, जिस पर सहायक खनिज अभियंता सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि प्रत्येक डंपर मालिक से जुर्माना कंपाउंड राशि वसूल की गई। उदयपुर के कोटरा के देवला में फोर लेन पर ट्रैक्टर का अगला टायर फट जाने से ट्रैक्टर असंतुलित होकर टकरा गया, जिसमें सवार 22 साल का युवक जख्मी हालत में एम्बुलेंस के इंतजार में तड़पता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा करीब 1 बजे हुआ। लोगों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया। कई फोन होने के बाद भी एम्बुलेंस करीब 2:30 बजे पहुंची। इससे पहले युवक की मौत हो गई थी। वहीं परिजन उसे किसी निजी वाहन में लेकर अस्पताल चले गए। मृतक के अलावा हादसे में 2 और लोग घायल हुए जो मामूली चोटें आने से वहां से जा चुके थे। जमा भीड़ ने कई बार एम्बुलेंस पर चालक को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए सहायता के लिए फोन लगाया, परंतु कोई सहायता नहीं पहुंची। उदयपुर के कोटरा में चिकित्सा विभाग एवं पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुख्यालय पर संचालित अवैध नीम हकीमों के क्लिनिक पर छापा मारे। पुलिस ने 2 झूला छाप डॉक्टरों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके पास से करीब 2 लाख रुपए की मेडिसिन भी जब्त की गई है। चिकित्सा विभाग से डॉक्टर संदीप शुक्ला, थाना अधिकारी रणजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ उन्होंने कार्रवाई की। वहीं पुलिस दोनों को आज कोर्ट में पेश करेगी। कार्रवाई की सूचना आगे की तहर कस्बे में फैलने से अन्य झूला छाप अपने क्लिनिकों को बंद कर वहां से भाग गए। पूरा दिन क्लिनिकों पर ताले लगे रहे। बेकरिया पुलिस ने झूला छाप के साथ मेडिकल यंत्र भी जब्त किए। बूंदी के कापरे नगर पालिका के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय वीर तेजाजी मेले का पुरस्कार वितरण के साथ बीती रात्रि को समापन हो गया। सीकर के नीमका थाना में पुलिस ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा के आसीन कस्बे में अवैध अतिक्रमण से आमजन परेशान है और व्यापारियों ने बाजार में 5 से 20 फीट तक का अतिक्रमण कर रखा है। चित्तौड़गढ़ के आकोला के बड़गांव बांध लगभग 21 फीट भरने पर आकोला ग्रामवासियों ने खुशहाली के लिए रुद्राभिषेक और सुंदर पाठ किया। राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ में राजपूत समाज की ओर से आयोजित समारोह में शिरकत की। विकास संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राव राजेंद्र सिंह, सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, मध्य प्रदेश के मंत्री सुल्तान सिंह राजपूत और जयपुर के अध्यक्ष गिरिराज सिंह ने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। बूंदी के इंडोली पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सलावलिया के पास वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों को नष्ट करने और प्लांटेशन में पशु चराने से रोकने पर वनपाल के साथ एक दंपति ने अभद्रता करते हुए मौके से भगा दिया। जोधपुर के बिलाड़ा में खड़तर गच्छाचार्य दादा गुरुदेव जिनचंद्र सूरी महाराज की 403वीं पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर 2 दिवसीय मेला शनिवार से शुरू हुआ। मेले में भाग लेने के लिए राजस्थान सहित पूरे भारत से जैन समाज के लोग शामिल हुए। राजसमंद के आमेट बार एसोसिएशन की बैठक में कुमलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कक्ष निर्माण हेतु विधायक मत से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। बाड़मेर के समदरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार रात को चौकीदार बंदूक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में गुर्जर समाज की महत्वपूर्ण बैठक बिलिया में होगी, जहां कई अहम लोग मौजूद रहेंगे। झुंझुनू के चिरावा में चोरों ने एक दुकान का शटर काटकर 70,000 की नकदी लूट ली। लक्ष्मणगढ़ सीकर में प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष के निर्देश व जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह खर्रा व लक्ष्मणगढ़ शहर अध्यक्ष मनोज शर्मा की सहमति से नवनियुक्त लक्ष्मणगढ़ शहर महिला मोर्चा अध्यक्ष अनुराधा चुड़ीवाल ने पद संभालने के चंद घंटों बाद ही इस्तीफा देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हालांकि अनुराधा चुड़ीवाल से मान मनोहार का दौर जारी है और अब देखना होगा कि पार्टी के नेता चूड़ीवाला को मनाने में कितने कामयाब होते हैं। जोधपुर के ओसिया पंचायत समिति में राजस्थान पटवार संघ जोधपुर के चुनाव अधिकारी, राजस्थान पटवार संघ के अध्यक्ष भवन रणजीत सिंह, सहायक चुनाव अधिकारी पाली पटवार संघ अध्यक्ष नरपत सिंह राजपुरोहित की देखरेख में सर्वसम्मति से हुए।
बारह के अंत में सोयाबीन उड़द की फसलें पानी के अभाव में खराब होने की कगार पर हैं और गर्मी के कारण भी फसलों को नुकसान हो रहा है। राजसमंद के आमेट के दोवड़ा गांव में महावीर इंटरनेशनल शाखा द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। जांच शिविर में 180 रोगियों की जांच की गई, जिसमें 30 रोगियों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया, वहीं बाकी रोगियों को दवा का वितरण किया गया। जयपुर जिले में रेनवाल के नजदीकी गांव हरनाथपुरा के अरावली क्रिकेट स्टेडियम में ऑल इंडिया वुमन T20 क्रिकेट एसोसिएशन ने अगले माह अक्टूबर में होने वाली महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए वुमन क्रिकेट टी शर्ट की लॉन्चिंग की। इस प्रतियोगिता में देश भर के कई प्रतिभागी भाग लेंगे। अभी प्रतिभागियों के ऑनलाइन फॉर्म लिए जा रहे हैं। नागौर के पर्वतसर में दुकानदार 10 रुपए का सिक्का नहीं ले रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन बैंक कर्मी सुनवाई नहीं कर रहे। पाली के सुमेरपुर के बांकली गांव के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10वीं के 30 छात्रों ने गणित की कॉपियां जांचने में गड़बड़ी का आरोप लगाया। भीलवाड़ा के मांडल पंचायत समिति क्षेत्र में चल रहे सैकड़ों अवैध ईंट भट्टों के कारण दिनों दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रदूषण विभाग समय पर कार्रवाई करने के कारण इन भट्टा संचालकों के हौसले बुलंद हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो पुरुष सहित एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कम्युनिटी हॉल में नपा अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचोली और उपाध्यक्ष पारस पारक ने फायर ब्रिगेड टीम को चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से बैठक ली। अलवर के रैणी स्थित हॉस्टल में सिलेंडर फटने से 3 युवक झुलस गए, गंभीर अवस्था में उन्हें अलवर रेफर किया गया। सिलेंडर में लीक होने के कारण यह हादसा हुआ। जयपुर के चामू में चाकू की नोक पर बंधक बनाकर 30,000 लूटने का मामला सामने आया, 4 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। कुरियर्स अकेडमी के निदेशक मृत्युंजय शर्मा से लूट हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, वही पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जयपुर रोड स्थित कुरियर्स अकेडमी की यह घटना है। सीकर के नीमका थाना पंचायत समिति में नीमका थाना अनपाल गैंग का फरार सदस्य और सीकर व्यापारी अपहरण कांड का 10,000 इनामी अभियुक्त विक्रम जाट को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के जौथरी में पाडला मानारोड गांव की सड़क बदहाल है। गांव करावाड़ा मुख्यालय तक जोड़ने वाली PMJSY की सड़क पर डामर का नामो निशान तक नहीं बचा। कीचड़ व गड्ढों में तब्दील सड़क पर पैदल चलना मुश्किल है। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में बिग्गावास रामसरा में ट्रेन से व्यक्ति की मौत हो गई, पैर फिसलने से ट्रेन की चपेट में युवक आया। मृतक दयाराम गांव का ही रहने वाला था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में बने उप स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल उप स्वास्थ्य केंद्र में ANM कार्यरत है, जिसके अवकाश पर चले जाने पर केंद्र पर ताला लगा जाता है और ऐसी स्थिति में मरीजों को सूरतगढ़ या बिरमाना जाना पड़ता है। इस दौरान विशेषकर गर्भवती महिलाओं की जान जोखिम में पड़ जाती है। ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत करवाए जाने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उदयपुर के कानोड में 23 किलो जुड़ो वक्त प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। धमानिया पंचायत के बागसल की बेटी का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ, अशु कुमारी डागी का चयन हुआ है। बड़ी सादरी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया गांव के विष्णु मीना 25 किलो वर्ग में तीसरे स्थान पर रहे। प्रिंसिपल मोतीलाल आमेटा ने यह जानकारी दी। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।